हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। हर फ्राइडे हम आपके पास आते हैं रियल एस्टेट की इनसाइट्स लेके। ये एक लाइव कॉल है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 647-484-0018 पे। आज हमारे साथ हैं हमारे ब्रोकर प्रवीण अरोड़ा जी, जपजीत हमारी प्रीकॉन स्पेशलिस्ट, और राकेश जी हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट। आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है, जो आजकल हम न्यूज देख रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट रॉक बॉटम हिट कर चुकी है, तो मैं प्रवीण जी से पूछना चाहूंगा, प्रवीण जी आप क्या कोई टिप्पणी करना चाहते हैं इस चीज पे कि रियल एस्टेट मार्केट सच में रॉक बॉटम हिट कर चुकी है? जतिन, ये जो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या रियल एस्टेट मार्केट जीटीए में रॉक बॉटम हिट कर चुकी है, बहुत सी न्यूज ऐसी आ रही है और इसकी बारे में मतलब एक मैं और भी चीज शेयर करनी चाहूंगा कि ये जो चीज है कि ये मार्केट रॉक बॉटम हिट कर चुकी है, जतिन, बहुत से जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और आज भी एक दो न्यूज थी न्यूज़पेपर में कि रियल स्टेट मार्केट है जो जीटीए में वो बॉटम लाइन जो है उसकी वो उसको हिट कर चुकी है। देखो, ऐसा है जतिन के 100% कोई भी चीज प्रेडिक्ट करनी है वो बड़ी मुश्किल होती है, बट जो मार्केट के ट्रेंड्स को देख के या प्रीवियस डेटा देख के आपकी एक असेसमेंट होती है कि ये मार्केट कैसे रहेगी। तो जो आज की डेट में मेरे को लग रहा है कि जहां पे जीटीए की मार्केट स्टैंड कर रही है, जो प्राइस आज की डेट में घरों का अवेलेबल है मार्केट में, क्या इससे कम प्राइस में घर बनाना पॉसिबल है या नहीं, सबसे पहली बात तो मैं इसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। और दूसरा, क्या इस प्राइस पे, अगर जैसे मान लीजिए जो प्राइस पे आज की डेट में जो घरों के प्राइस है, अगर इस कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी अगर रिप्लेसमेंट करनी हो तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट वगैरह जब वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो कैसे रहेगी। इसमें जतिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आज की डेट में मार्केट में घरों के प्राइसेज हैं, मेजोरिटी ऑफ देम, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी को हायर प्राइस पे लिस्ट कर दिया तो वो मार्केट का प्राइस हो गया। मार्केट का प्राइस कहने का मतलब ये होता है कि मार्केट में कोई भी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जैसे अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें, कॉन्डोमिनियम की बात करें, कमर्शियल की बात करें रियल एस्टेट में, तो हम डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज की एक एवरेज निकाल के एक एवरेज नंबर पे आते हैं जतिन। वो जो एवरेज नंबर होता है वो एक नंबर होता है कि इस नंबर पे जो जो आज की मार्केट में घरों का ये एवरेज प्राइस है, मान लीजिए कोई भी सिटी है, ट्रेब बहुत सा ऐसा डाटा रिलीज करता है और बहुत सी कंपनियां जो बड़े तरह के स्टैट्स हैं वो शेयर करती हैं, तो मेरे को ये लगता है कि जिस प्राइस पे आज की डेट में जो एवरेज प्राइस पे घर बिक रहे हैं, इससे कम प्राइस पे जाना शायद काफी ही मुश्किल है। अनटिल अनलेस, एक बात और भी मैं यहाँ पे शेयर करनी चाहूंगा, अगर कोई सेलर मोटिवेटेड है या किसी कोई वजह से वो किसी प्रॉपर्टी को जल्दी बेचना चाहता है, कोई शॉर्ट टाइम में बेचना चाहता है, कुछ और उसकी टर्म्स कंडीशंस हैं उसकी वजह से वो उसको कम प्राइस पे बेच जाता है, तो उसको आप मार्केट की वैल्यू नहीं उसकी कह सकते, वो एक इंडिविजुअल केस टू केस चीज वेरी करती है, इसीलिए मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। तो ये जो अगर हम एवरेज का नंबर लेते हैं उसके मुताबिक ये बात श्योर मुझे लग रही है कि जो मार्केट है इस टाइम वो रॉक बॉटम हिट कर चुकी है। उसका एक और भी चीज मैं यहां पे शेयर करना चाहूंगा जतिन अपने व्यूअर्स के साथ, 89 और 90 की लोग अक्सर बात करते हैं कैनेडियन रियल स्टेट हिस्ट्री में कि जो 89 90 था दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट मार्केट इन द कैनेडियन हिस्ट्री, या आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मार्केट में सेटबैक उस टाइम लगा था। उस टाइम जो प्राइसेज की एडजस्टमेंट हुई थी जिस प्राइस पे वो प्रॉपर्टीज थी वो तकरीबन 30-40% का नंबर था, और ये जो मार्केट का नंबर है ये मार्केट का नंबर 25-30% तक हिट किया है। और उस टाइम के इंटरेस्ट रेट और आज के इंटरेस्ट रेट में देखिए, इंटरेस्ट रेट उसके कंपैटिबली आज भी काफी नीचे रहा है, बट उतना कम होने के बावजूद भी मार्केट 25-30% मार्केट में जो करेक्शन है वो आ गई थी। तो अब मुझे जो लगता है कि ये जो न्यूज आजकल काफी चर्चा में है कि ये मार्केट रॉक बॉटम पे है, मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट इससे और नीचे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए जो भी मतलब लोग आज की डेट में कंसिडर कर रहे हैं
बाय करने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि उनको इस चीज के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। शायद इससे नीचे मुझे प्राइसेस की और कोई ज्यादा नजर नहीं आ रहा कि इससे नीचे प्राइसेस और जाएंगे। थैंक यू प्रवीण जी, अगर यही हमारा रॉक बॉटम है तो आप एक और चीज के बारे में बताइए। एक और न्यूज आजकल बहुत वायरल हो रखी है कि इस साल इंटरेस्ट रेट 3 बारी कम होंगे। प्रवीण जी, क्या आप मानते हैं कि इस साल इंटरेस्ट रेट 3 बारी कम होंगे? देखो जतिन, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हो कि इंटरेस्ट रेट 3 बार कम होंगे इस साल या नहीं। जैसे अगेन, मतलब इसके ऊपर काफी चीजें हैं जो मतलब डिपेंड करती हैं, जिसके ऊपर ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड होएगा उसमें कई फैक्टर्स हैं। बट वैसे जो ये जजमेंट है, जो चीज लग रही है कि डेफिनेटली इस साल 2 या 3 बार एडजस्ट अपने इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई ना कोई एडजस्टमेंट जरूर होएगी, उसके कई मल्टीपल रीजंस हैं। जो इकोनॉमिस्ट हैं जतिन, वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखते हैं। ना तो हम इकोनॉमिस्ट हैं, ना हमारे पास इतना डेटा होता है जो जितने जो ये बड़ी कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हो गए या बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो डेटा देख के इन चीजों को असेस करते हैं। पर हम जो एक ग्राउंड लेवल पे चीजें देखते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे चीजें देखते हैं उसके मुताबिक एक जजमेंट होती है, उस जजमेंट के बेसिस पे हम अपना ओपिनियन देते हैं। जो रॉक बॉटम की बात मैं कर रहा हूं वो भी एक ग्राउंड लेवल पे चीजों देखने के बाद एक जजमेंट है हमारी, कि अगर आप कहीं पे भी देखें जो लैंड की कॉस्ट है और उसके बाद जो डेवलपमेंट चार्जेज हैं, जो सर्विसिंग की कॉस्ट है, घर को बिल्ट करने की कॉस्ट है, पर स्क्वायर फीट क्या कॉस्ट आ रही है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी बिल्डर आज की डेट में नया घर बनाएगा वो उससे नीचे उनके लिए कोई फिजिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर बिल्डर के लिए फिजिबिलिटी नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली प्राइस नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि कोई भी बिल्डर या डेवलपर लॉस पे प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा। इसी तरह जो इंटरेस्ट रेट की बात है, जो मेरे को लग रहा है कि इस टाइम जो लोगों की पोजीशन है, जतिन, वो इतनी ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि टाइट हो चुकी है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है इस इंटरेस्ट रेट की वजह से। उसमें मल्टीपल रीजन रहे, जो पीछे कुछ लोगों ने मिस्टेक्स की या जैसे भी चीजें हुई, वो काफी नीचे आ चुका है उनका लिविंग स्टैंडर्ड। और मुझे लगता है कि अगर इस चीज पे कोई ना कोई रिलीफ ना दिया गया तो मार्केट में और बड़े डिफरेंट तरह के चैलेंजेस हमें देखने को नजर आ सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि 2-3 बार इंटरेस्ट रेट का कम होना बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, चाहे वो थोड़ा कम होए या ज्यादा कम होए, क्योंकि मार्केट में एक कॉन्फिडेंस लेकर आना और उसको मेंटेन करना भी काफी जरूरी है। और ये जो न्यूज है 3 टाइम्स की, ये मैं पक्का तो नहीं कह सकता 3 टाइम्स का, पर मुझे लगता है कि 2 से 3 बार इंटरेस्ट रेट में इस साल के अंदर एडजस्टमेंट जरूर होगी। ओके, थैंक यू प्रवीण जी, आपने हमारे साथ ये शेयर किया। प्रवीण जी, अगर 3 बार इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है और जैसे इंटरेस्ट रेट पिछली बार होल्ड हुआ, उससे ही इतने लोगों का कॉन्फिडेंस बैक हो गया रियल एस्टेट मार्केट में, हमने देखा कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स में कितनी ज्यादा एक्टिविटी है। बिल्कुल, तो अगर ये इंटरेस्ट रेट एक बार भी, लगा लो 3 बार छोड़िए, अगर 1 बार भी कम हो जाता है, हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कि हमारी रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखो, जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होएगा जतिन, 1 बार कम हुए या 2 बार कम हुए, लोगों का मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों का मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और दूसरी चीज ये है कि जहां पे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मार्केट में जो सप्लाई डिमांड का फार्मूला है वो हमेशा काम करता है, चाहे रियल एस्टेट हो चाहे कोई और प्रोडक्ट हो। जहां पे सप्लाई की कमी है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस को हेल्प मिलती है। जहां डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, वहां प्राइस नीचे आता ही आता है, चाहे वो रियल एस्टेट हो या कोई और प्रोडक्ट हो। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मार्केट में, वैसे वैसे थोड़ा बहुत प्राइसेस के ऊपर भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो जो एक सिंपल सा फार्मूला है, सप्लाई एंड डिमांड। अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, लोगों में इंटरेस्ट ज्यादा है बाय करने का, तो ऑब्वियसली उससे इस चीज को एज मिलेगा। अभी क्या है कि अभी मार्केट में जो इन्वेस्टर है वो ऑलमोस्ट मार्केट से बाहर हो चुका है जतिन, क्योंकि अगर वो आज की डेट में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो रेंट उनके लिए कुछ ज्यादा सेंस नहीं बना रहे प्रॉपर्टीज को होल्ड करने के लिए। और दूसरी एक चीज ये है
काफी ऐसे भी बायर्स हैं जो अप साइज या डाउन साइज या मतलब कोई भी चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अपनी मॉर्गेज को टच नहीं कर सकते। वो जिस तरीके से वो मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई हुए हुए हैं, दे कैन जस्ट गो विद दैट मॉर्गेज। अगर कोई भी चेंज करते हैं, कई लोग तो ऐसे हैं कि अगर वो आज मॉर्गेज को स्विच करते हैं या कुछ चेंज करते हैं, जितनी अमाउंट के लिए वो पहले क्वालिफाइड हैं, जो मॉर्गेज उनके घर के ऊपर है, वो उतनी अमाउंट के लिए क्वालिफाई नहीं करते। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें मार्केट में कई तरह के चैलेंजेस खड़े कर रही हैं। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में कोई फर्क आएगी, तो वो लोगों की जो चीज है, जो वो चेंज करना चाहते हैं, वो भी चेंज कर पाएंगे। उससे डेफिनेटली ये सप्लाई और डिमांड का जो फार्मूला है वो भी काम करेगा, और मार्केट में अगर एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये हेल्प करेगी थोड़ा प्राइसेज को भी बूस्ट करने के लिए। ओके, बहुत सही कहा आपने प्रवीण जी। प्रवीण जी, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे इस टॉपिक पे पूछना चाहता हूँ। जो सेलर्स है मार्केट में, जो लोग प्रॉपर्टी बहुत टाइम से होल्ड करके बैठे हुए हैं, उनको एक न्यूज से थोड़ा सा होप है कि 3 बार इंटरेस्ट रेट कम होगा, उनको कुछ आप अगर एडवाइस देना चाहें, जो जिनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो दूर मतलब हर जगह उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उनके लिए आप कोई कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? देखो जतिन, ये है कि ये हिस्ट्री है, अकेली कैनेडा की नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री है ये। मतलब अगर हम एक टाइम पे हमने न्यूज में कनाडा का पिछले 50 साल का डेटा शेयर किया था, कैनेडियन रियल स्टेट मार्केट का, कि 50 साल में पिछले मार्केट कैसे कैसे मार्केट ने बिहेव किया। जो टफ टाइम्स हैं ये हमेशा के लिए नहीं रहते, ये जो इंटरेस्ट रेट है इसने हमेशा के लिए नहीं ऐसे रहना, और मार्केट में सप्लाई और डिमांड का फार्मूला हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो ऑलवेज चेंज होता रहता है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है होल्ड करने की, तो डाउन द रोड डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बट अब बात यहाँ पे जो सेलर्स की आप बात कर रहे हैं, मार्केट में डिफरेंट तरह के सेलर्स हैं। एक तो सेलर ये है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपसाइज करना है। जो अपसाइज करने वाला सेलर है उसके लिए जो मार्केट फेवरेबल है, उसको फेवर करती है मार्केट। दूसरी बात एक ये है कि जो फर्स्ट टाइम बायर है, उनको चाहे मार्केट कैसी भी हो, उनको घर लेना चाहिए, और ये मार्केट उनकी भी फेवर करती है। नो डाउट के इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, पर प्राइस ऑलरेडी एडजस्ट हुआ हुआ है, तो उनके लिए भी ये मार्केट हेल्प करती है। और जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं इन्वेस्टर्स, उसमें क्या है कि अगर तो वो अपनी प्रॉपर्टी इस वजह से सेल करना चाहते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर सकते, तो वो मैं इस बात का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि आपको अपना प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहिए, अपने डेट्स को नहीं बढ़ाना चाहिए, चीजों को खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं मैनेज कर सकते तो डेफिनेटली इसको सेल कर दीजिए। बट अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी तरह से मैनेज कर सकते हैं, आप उसको 1-1.5 साल और होल्ड कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली 8-10% का मार्केट बेनिफिट दे जाएगी, जो मेरे को लग रहा है। ओके, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एक लाइव कॉल है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो इस इंटरेस्ट रेट मार्केट में, आप अगर आप कुछ सोच रहे हैं कुछ इन्वेस्ट करने की या कुछ सेल करने की, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeyes Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeyes location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes! Q Wireless and Computer. Apne tamam devices, phones, iPads, tablets, MacBooks, or laptops, ke repairs aur marammat ke liye. हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे।
और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार, चूड़ियां झुमके जूते पान लगाए मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहां की हर शे आए काम, आओ चले चलो चले Eid Bazaar, presented by Avaaz Entertainment and TGA International at National Banquet Hall from April 6th to Chandrat, April 9th. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। वेलकम बैक टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। अब हम इसी टॉपिक को आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, रियल एस्टेट मार्केट रॉक बॉटम पे। मैं अपनी हमारे साथ हैं जहां पे जबजीत जी, जो प्रीकॉन स्पेशलिस्ट हैं। मैं जबजीत से पूछना चाहता हूं, जबजीत, अगर कोई इन्वेस्टर आज मार्केट में है जो इस प्राइस का फायदा उठाना चाहता है और पर अभी इस इंटरेस्ट रेट से बचना चाहता है, तो आप उसे क्या रिकमेंड करेंगे? हर एक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एंड स्पेशली जब प्री कंस्ट्रक्शन की बात करें, आप लंबी क्लोजिंग ले सकते हो। सो एंड कॉन्डोस का सबसे बड़ा यही फायदा है कि इस टाइम पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनकी क्लोजिंग अप टू 20-30 तक आपको मिल सकती है। 20-30? यस। ऐसा कोई प्रोजेक्ट है हमारे पास जो 20-30 की क्लोजिंग? यस डेफिनेटली। सो पहला प्रोजेक्ट है क्यू टावर, जो हमारे टेक्नीशियन आपको दूसरी रेंडरिंग दिखाएंगे, ये वाली नहीं, दूसरी। तो ये सीएन टावर के पास बिल्डिंग आ रही है, एंड ये कह लो कि टोरंटो का लास्ट लैंड पार्क, सेंट्रल वाटर फ्रंट टोरंटो, जिधर आप एक प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सिक्योर कर सकते हो। एंड अगेन इसकी क्लोजिंग आपको 2030 में मिलेंगी जाके। सो आप देख सकते हो पिक्चर से सीएन टावर के बिल्कुल नजदीक है, यूनियन टावर, सॉरी यूनियन स्टेशन सिर्फ फ्यू मिनट्स अवे है इस लोकेशन पे। एंड ये 60 टावर 60 स्टोरी बिल्डिंग होगी। एंड अगर आप कोई साउथ या साउथ वेस्ट एक्सपोजर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे लेक व्यूज भी मिलेंगे इस बिल्डिंग में। एंड बिल्डर्स भी रेप्यूटेबल है, दो बिल्डर्स कोलैबोरेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। एंड आपके पास 27,000 स्क्वायर फुटेज ऑफ अमेनिटी स्पेसेस है इस प्रोजेक्ट में। सो आप इमेजिन कर सकते 2030 तक डाउनटाउन टोरंटो, जो अभी भी इतना प्राइम है, एक्सपेंसिव है, उस टाइम क्या प्राइसेस होंगे। तो इधर आपको जूनियर वन बेडरूम हाई 500 की रेंज से आपको मिलेगा, एंड द 2 ईयर की रेंटल गारंटी भी आपको दे रहा है बिल्डर, जो रियली गुड, जो आपको किसी रेगुलर मार्केट में नहीं मिलेगी, राइट? एंड फ्री असाइनमेंट, राइट टू लीव, आपकी डेवलपमेंट चार्जेस कैप्ड है,
एंड इसकी लोकेशन एग्जैक्टली जो है आप देख सकते हैं सीएन टावर के पास आई है, वो साउथ ऑफ गार्डनर एंड लेक शोर के बिटवीन पड़ता है ये. सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अबाउट 1700 प्राइस पर स्क्वायर फुटेज. सो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है. एंड अगर आप कुछ ब्रैम्पटन के एरिया में देख रहे हो जो ब्रैम ईस्ट की साइड है, उधर ये एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो भी लॉन्च नहीं हुआ है, जिसके जिस प्रोजेक्ट के लिए टीम अरोरा के पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है. ये साउथ ऑफ कैसल मोर ऑफ द गोर रोड ये एक मास्टर प्लान कम्युनिटी बन रही है. ये एक छोटा लैंड पार्ट है लाइक डिवेल्प कम्युनिटी के अंदर. इधर फ्री होल्ड टाउन होम्स एंड डिटैच आ रहे हैं जो अगेन थ्री बिल्डर्स कोलैबोरेट कर रहे हैं. एंड काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. टाउन होम्स 30, 38 and 40 foot lots इधर आपको मिलेंगे. सो अगर आप इस प्रोजेक्ट में या किसी कॉन्डो प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड वी कैन गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस. ये प्रोजेक्ट कुछ हफ्तों में रिलीज होएगा एंड इसके फ्लोर प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है. सो यू कैन गेट इन टच विद अस एंड वी कैन वॉक यू थ्रू द फ्लोर प्लान्स एंड गाइड यू टू सिक्योर योर यूनिट. थैंक यू सो मच जपजीत फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन. जपजीत, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इन दोनों प्रोजेक्ट के अलावा भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं 647-484-0018 पे. और हम आगे डिस्कस करते हैं रियल एस्टेट मार्केट रॉक बॉटम पे और इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की उम्मीद में. लोग, मैं पूछना चाहता हूं हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट राकेश पटेल जी से. राकेश जी, आप क्या सोचते हैं कि रॉक, ये रियल एस्टेट मार्केट रॉक बॉटम पे है, जो आप रीसेल में एक्टिविटी देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे बायर्स एंड सेलर्स को? जो मेरा मानना है, जितिन बेस्ड ऑन जो मार्केट में जो बायर्स आजकल घूम रहे हैं उनके साथ बातचीत करने के बाद जो पता चलता है, राइट, दे आर मोर देन हैप्पी टू बाय इन दिस मार्केट क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती है. मेरा जो मानना है कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने की वजह से तभी जो हो रहा है वो ये है कि इंटरेस्ट की तरफ ज्यादा जा रहा है और प्रिंसिपल की तरफ कम जा रहा है. सो वो लोग क्या करते हैं, फॉर वन ईयर टू ईयर फाइनेंस लेते हैं. दे सबका वही मानना है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट एडजस्ट होना ही है, बट अगर आज अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट राइट नाउ. कि पूरा रेंट में तो पूरा पैसा चला जाता है, तो इससे अच्छा चाहे थोड़ा भी बच जाए प्रिंसिपल में. सो देयर आर लॉट ऑफ बायर्स और उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज है. जो सेलर की तरफ से आई वुड से कि हाँ, जो जैसे इंटरेस्ट रेट की वजह से जो उनका एक्सपेंसेस है वो जो बेचना चाह रहे हैं वो भी काफी अच्छी डील ऑफर कर रहे हैं आजकल रीसेल में. पर ऐसा है कि वो खुल के बाहर नहीं आता जल्दी सेलर, क्योंकि दे ऑल्सो नो दे आर गोइंग अंडर प्रेशर. सो बट हमको पता होता है क्योंकि वी आर इन द बिजनेस. सो मैं हमारे दर्शकों को वही रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमसे एक बार बात करें, हमको कॉल करें, एटलीस्ट गेट सम इंफॉर्मेशन, फिर आप सोचे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट. आगे जाके आपका भी प्रिंसिपल बनने ही वाला है टूवर्ड्स द प्रॉपर्टी. थैंक यू राकेश जी. राकेश जी, जो हम ये ट्रेंड देख रहे हैं जो लोग मार्केट में एक्टिविटी का, उसके अकॉर्डिंग आप क्या सजेस्ट करते हैं? एक अगर आपसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो वो क्या रहेगी? सो अभी जो नॉर्मल मार्केट में यस, जो बाहर की खबरें हैं आप देखें डेफिनेटली, पर आप हमसे एक बार कंसल्ट जरूर करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम वन टू वन शेयर करते कर सकते हैं वो आपके लिए काफी फायदे के मन बन सकती है. सही कहा राकेश जी आपने. यहाँ पे जतन एक चीज और भी है जो थोड़ी सी, जैसे राकेश बात कर रहे थे और जब प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में जैसे जपजीत ने बात की कि ईच एंड एवरी मार्केट हैव देयर ओन अपॉर्चुनिटीज, हर मार्केट में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर होती है और हर मार्केट में कोई ना कोई चैलेंज जरूर होता है. इस मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इंटरेस्ट रेट और क्वालिफाइंग. बट अपॉर्चुनिटी क्या है बायर्स के लिए? कि उनको प्राइस एडजस्टेड मिल रहा है, राइट?
और तो कहने का मतलब ये है कि हर मार्केट में कोई चीज अच्छी भी होगी, कोई ना कोई खराब भी होगी। तो अब जैसे ये रॉक बॉटम की बात है, रॉक बॉटम पे अगर आप बाय नहीं करते, वो एक आपके अंदर एक फियर होता है, एंड आई नो दैट कि वो फियर आपके अंदर जो है वो एक नॉर्मल चीज है, बट एट द सेम टाइम आप एक चीज को ये भी समझिए कि अगर डेटा स्टैट्स और ये सारी चीजें ऐसे प्रेडिक्ट कर रही हैं कि इससे नीचे प्राइसेस की कोई गुंजाइश नहीं, अगर आपको 10-15 हजार किसी प्रॉपर्टी का बताएं, वो बहुत प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। 10-20 हजार किसी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा फर्क क्या होता है कि मान लीजिए कोई 8 लाख की प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कि वो 5 लाख की रह जाएगी, या 8 लाख की प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कि वो आने वाले 3 महीने में 1.1 मिलियन की हो जाएगी। 10-20 हजार की ऊपर नीचे इतनी रकम में वो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। बट अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी बनती है, आप क्वालिफाई कर जाते हो, आप अपनी मॉर्गेज को कुछ टाइम के लिए मैनेज कर पाते हो, जब तक मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट नहीं और कम होता, तो ये जो बाइंग का टाइम है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आज आप प्राइस जो है वो बेटर वर्कआउट कर जाओगे। इंटरेस्ट रेट एक वेरिएबल कंपोनेंट है जो आने वाले टाइम के अंदर चेंज हो जाएगा, पर ये जो प्राइस है इसने फिक्स हो जाना है आपकी प्रॉपर्टी का, जब तक आप उस प्रॉपर्टी को कैरी करते हो जो भी आपकी मॉर्गेज की टर्म है। तो इसलिए ये जो रॉक बॉटम वाली चीज है, ये चीज अगर आप बायर और खास करके जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, उनको तो मैं जरूर कहूंगा कि उनको इस मार्केट का एडवांटेज जरूर लेना चाहिए, फर्स्ट टाइम बायर्स, और जो अपसाइज करना चाहते हैं उनको भी इस मार्केट का काफी बेनिफिट है। आई थिंक जतन, अब कुछ हमारी लिस्टिंग्स भी हम हमारे लिसनर्स के व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है 2 फ्रेजनल रोड। ये जो प्रॉपर्टी है ब्रैम्पटन में है, ये कॉर्नर टाउन हाउस है और ये बहुत ही अच्छा है, नई डेवलपमेंट है, और कॉर्नर होने की वजह से आप देख रहे हैं जैसे इसकी ग्रैंड एलिवेशन है। ये प्रॉपर्टी के अंदर आप जाते हैं तो इसमें काफी, क्योंकि कॉर्नर होने की वजह से विंडोज भी काफी हैं, ये प्रॉपर्टी आपको ऐसे नहीं लगेगी कि ये कोई घर मतलब टाउन हाउस है, अंदर से आपको बहुत स्पेशियस और बड़ा लगता है। और ये जो प्रॉपर्टी अगर आप इस वीकेंड के ऊपर देखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है जतिन, वो है 8 क्वीन पोस्ट ड्राइव। और ये जो 8 क्वीन पोस्ट ड्राइव है, ये भी एक टाउन हाउस है, ये हमारे पास क्रेडिट व्यू और जो अपने क्वीन का एरिया है, और जैसे आप इसकी कैप्शन में भी देख रहे हैं इसकी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। और लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट क्योंकि जो रेंटल इनकम है वो खास करके फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बहुत बड़ी हेल्प करती है वो, तो ये जो टाउन हाउस है, ये टाउन हाउस के ऊपर हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस भी लगा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए एक बार आकर देखिए, खास करके फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ये काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो है 58 मास्कन सर्कल। 58 मास्कन सर्कल, ये प्रॉपर्टी के ऊपर भी आप देखेंगे कि जैसे इसकी कैप्शन बता रही है कि लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है इसमें भी। और ये जो प्रॉपर्टी है ये अराउंड 2700 स्क्वायर फीट का घर है, नया एरिया है ये भी। और ये जो नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन है, नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में ये प्रॉपर्टी है जो मास्कन सर्कल पे है। और ये जो प्रॉपर्टी है जैसे लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट होने की वजह से इसकी रेंटल इनकम भी काउंट हो सकती है। अगर आप चाहते हैं इस वीकेंड पे इसकी व्यूइंग बुक करना, आप इसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है 9 इगुआना ट्रेल। और ये जो प्रॉपर्टी है 9 इगुआना ट्रेल, इसकी भी जो बेसमेंट है वो लीगल बनी हुई है। और जैसे आप बाहर देखते हैं सारा कंक्रीट का काम हुआ हुआ है प्रॉपर्टी के ऊपर, लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है ये प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टीज है आज की डेट में जतिन बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई गई है। ये प्रॉपर्टी 3000 स्क्वायर फीट का घर है। ये प्रॉपर्टीज का एक टाइम पे प्राइस 2 और 2.1 मिलियन की रेंज में था, और आज ये प्रॉपर्टीज 1.5 मिलियन की रेंज में लगाई गई हैं। ये बेनिफिट है अपसाइज करने का, अगर आज की डेट में कोई आप अपसाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जो मैंने बात की है कि 25-30% जो मार्केट है, मार्केट एडजस्ट हुई है, आप उस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है 22 ब्लैक डायमंड क्रेसेंट। ये एक कॉर्नर लॉट है।
ये प्रॉपर्टी की जतिन खासियत ये है कि इसमें बहुत छोटी फैमिली, एक कपल था वो रहते थे, और ये जो घर है जैसे बिल्कुल यूज नहीं हुआ ऐसे लगता है ये वाला घर, और जैसे ये 3000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है और कॉर्नर लॉट है, बहुत अंदर लाइट है, इट्स लुक्स वेरी स्पेशियस, और जो बाहर इसका बैकयार्ड और जो साइड की कर्ब अपील है इस ग्रेट बहुत अच्छा है, और जिस स्ट्रीट के ऊपर भी है ये वो सारा नेबरहुड ही बड़े घरों का है। तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं अगर आप आना चाहते हैं। जो लास्ट प्रॉपर्टी है राकेश, इसके बारे में बताओ, डी कॉर्सो के बारे में इसकी क्या डिटेल है, नंबर 3 डी कॉर्सो। हाँ जी, सो ये 3 डी कॉर्सो जो है वो डीटेच हाउस है, इट्स 50 फीट लॉट, उसमें भी 2 यूनिट है जो रेंटल पोटेंशियल है, ये काफी अच्छा है, इसमें काफी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। सो लाइक आई वुड जस्ट से डोंट मिस दिस, आप एक बार जरूर आके देखें और सी इफ यू लाइक इट, इट्स अ रियली गुड हाउस, इट्स ओवर 3500 स्क्वायर फीट और ये काफी अच्छी लोकेशन ब्रेम ईस्ट में है। थैंक यू राकेश जी। प्रवीण जी, जाने से पहले मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हमारे दर्शकों के लिए कोई लास्ट एडवाइस रियल एस्टेट के? देखो जतिन, मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले टाइम में बहुत से लोग रियल एस्टेट में कॉन्फिडेंस लूज कर गए थे क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी थी, और बहुत से लोग डर की वजह जैसे प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रहे थे या अपसाइज नहीं कर पा रहे थे। अब धीरे धीरे मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है और काफी वापस आ भी चुका है, और जैसे हम ये आज का हमारा शो था प्राइसेज के बारे में, काफी अच्छी ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है प्री कंस्ट्रक्शन में, जैसे जपजीत ने बात की, काफी अच्छी बिल्डर से इंसेंटिव्स अवेलेबल है। देखो, आपको कोई भी इंसेंटिव जा अच्छा प्राइस तभी मिलेगा जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा डिमांड कम होगी, जा आप ये कह लो कि जब सप्लाई स्टेबल है बट डिमांड कम है, तो जो सही टाइम होता है बाय करने का या प्रॉपर्टी को अपसाइज करने का, उस टाइम पे होता है जब उसकी चीज की डिमांड ज्यादा ना हो। जब डिमांड है उस टाइम हमारे में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, बट वो जो डिसीजन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। जब डिमांड कम होती है हमारे में कॉन्फिडेंस कम होता है, बट वो डिसीजन एक अच्छा डिसीजन होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रियल स्टेट के बारे में, समटाइम्स क्या होता है जतिन के बहुत से आपके दिमाग में क्वेश्चन होते हैं और आप अपनी करंट सिचुएशन को असेस नहीं कर पाते, आप कोई डिसीजन नहीं बना पाते, तो आप एक काम करें, एक बार हमें कॉल करें और हमारे साथ 10 मिनट का टाइम रखें, हमारे साथ बातचीत करें। अगर आपको कोई भी चीज हमारी ठीक लगे तो आप हमारे साथ काम करें, अगर आपको ना ठीक लगे तो आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे साथ काम करने का। और दूसरी, मैं हमेशा बात कहता हूं कि प्रोफेशनल एडवाइस फ्री है इस इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। देयर इज नो हार्म टू गेट ए प्रोफेशनल एडवाइस जब आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, आपकी कोई ना कोई लर्निंग ही होगी, आपको कोई नई चीज पता चलेगी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक बार हमें कॉल कीजिए, नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923, जहां आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, आप वहां से हमें ईमेल कर सकते हैं। 10 मिनट का टाइम निकालें, आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। समटाइम्स आप शो में पब्लिकली कोई बात करना नहीं प्रेफर कर रहे होते, तो उसके लिए भी कोई ऐसी घबराने की बात नहीं, प्राइवेट हमारे साथ मीटिंग रखें और हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और जतिन, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि जो सेलर्स भी जो है कि अगर वो सोच रहे हैं बेचने के लिए, बट दे डोंट वांट टू गेट इनटू द मार्केट राइट नाउ बिकॉज बिना सोचे समझे उनको डिसीजन नहीं लेना है, तो वो हमको बोल, हमारे साथ बात कर सकते हैं क्योंकि हम काफी बायर्स है जो हमेशा ढूंढते रहते हैं। सो अगर वो हमसे बात करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ वो सोच रहे, तो हमारे बायर को हम बोल सकते हैं, काइंड ऑफ एन एक्सक्लूसिव जो हम बाहर नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट यू नो टू आवर बायर्स यार क्लाइंट्स को वो डेटाबेस में हम उनको बात करके उनको हेल्प कर सकते हैं।
थैंक यू राकेश जी, थैंक यू प्रवीण जी। सो दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने कहा, कोई भी कंफ्यूजन सीधा कॉल करिए 416-910-8923 और हमारी सारी प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं tmarora.com। थैंक यू सो मच हमसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे लाइव विद टीम अरोड़ा पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।